आज के लेसन में हमें समझना है यहाँ पर जब हमें डीप गला बनाना होता है तब हमें किस हिसाब से कटिंग करना चाहिए बैक पार्ट में कि वो शोल्डर गिरे नहीं, कि सबसे पहले हमारा ये जो ओरिजिनल ये बैक पार्ट कटिंग हो गया, इसके बाद आपको हर तरह का यहाँ फ्रंट पार्ट ये सब कुछ कटिंग होने के बाद सबसे लास्ट में ये प्रोसेस हमें करना है। ध्यान देना कि सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग किया उसके बाद तुरंत आप इसको कटिंग करोगे तो वो नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा बैक पार्ट का जो टॉक्स है उसकी ओर हमें ध्यान देना है। अब उसके बाद दूसरी ओर हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें जो बैक नेक है 10 इंच या फिर उसके बाद आप 10.5 11 जितना भी आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फिलहाल 10 इंच का नेक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 10 इंच का नाप ले लेना है। अब यहाँ पर 10 इंच पे यहाँ पर हम क्रॉस मार्क करेंगे। इसकी जितनी भी ये ब्रॉडनेस है जैसे 1.50 एंड 1 पॉइंट है उतना ही नाप यहाँ पर आपको रख देना है। अब इसके बाद यहाँ से आपको जाना है ये जितना ये क्रॉस गया है उस हिसाब से यहाँ नीचे का हमें ब्रॉडनेस बनाना होता है। यहाँ पर आपको ये सीधा मार्किंग से 1 इंच से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच तक आपको ये क्रॉस करना है। तो चलिए समझते हैं हम यहाँ पर 1.5 इंच का। सबसे पहले अब इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पर जो भी गला बनाना है जैसे हम यहाँ पर राउंड नेक बनाएंगे, आपको जो भी गला बनाना है वो शेप आपको कर देना है। अब हमें यहाँ पर बीच का जो पार्ट है इसको हमें कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक समस्या होगी, आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो ये पूरा पार्ट है बैक पार्ट इसलिए यहाँ पर ये कटिंग किया, लेकिन अब जब पीछे हुक वाला रहता तो अगर पीछे हुक वाला रहता तो यहाँ पर हमारा मार्जिन होता ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो आपको वहाँ तक पहले जितना गला बनाना है वहाँ तक पहले आपको सिलाई लगा देना है और उसके बाद बाकी तो अपने आप ये ओपन हो ही जाएगा। आप इसमें यही प्रोसेस आप सेम टू सेम आप डीप नेक ड्रेस हो जिसमें पीछे का गला भी बड़ा हो उसमें भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। डीप नेक गाउन रहता है बैक साइड का उसमें भी ये प्रोसेस हमें करना रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमने ये जो कट लगाया है तो यहाँ पर ये खुल रहा है। अब जैसे ये कट लगा दिया इसके बाद यहाँ पर हमने जो ये टक्स का निशान लगाया है वहाँ पर आपको पहले सिलाई कर देना है। ध्यान देना एक कच्चा सिलाई ही करना है, इसके बाद तो ये वापस आपको खोल देना है क्योंकि ये अस्तर में कटिंग होता है आपको कपड़े में वापस जोड़ना होता है, इसलिए यहाँ पर ये कच्चा सिलाई आपको लगाना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने जो यहाँ पर सिलाई लगा दी है एक कच्चा सिलाई, यहाँ पर आपको इसको फैलाना है ये बैक पार्ट ऐसे रखना है। अब यहाँ पर देखें तो जहाँ तक ही हमने हमारा जो गले का कट है अब यहाँ जितना पार्ट बचा है उतना पार्ट का मार्किंग आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 इंच बचा है तो यहाँ पर आपको 5 इंच का मार्क कर देना है। अब इसके बाद ये सेंटर रखे। अब यहाँ से ये जितना गले वाला पार्ट है उतना अपने हाथों से इसको ऐसे प्रेस कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट में भी आपको ऐसे ही प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करके इसको ऐसे खींचेंगे या दोनों साइड से तब यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये लुक आ जाएगा। यहाँ पर आपको शोल्डर से नहीं देखना है कि हमारा शोल्डर कितना है वो हम नहीं देख रहे, फिलहाल हम यहाँ पर जितना गला है जितना ये गैप बचा है उतना ही टक्स के साथ में इसको प्रेस करके यहाँ पर खींच रहे और यहाँ पर सीधा करना है ताकि यहाँ पर इसको ये जितना बाहर जाना है उतना फैलना है उतना फैल जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ये देखना है, यहाँ पर हमारा जो नाप है अपर चेस्ट का जो नाप है जो हमने रखा था 34.50 ये जो 34.5 इंच हमने जो नाप रखा था, अब ये बैक पार्ट खुल गया इसलिए अब यहाँ पर हमें उसका आधा नाप देखना है। तो 34.5 का आधा होगा 17.25 यानी उसका जो आधा होगा 17.25 यानी 17.25। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो नाप यहाँ पर है कि नहीं, तो
अब यहाँ पर देखेंगे ये कट टू कट हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये नाप तो बन गया है 18 और एक पॉइंट। यहाँ पर ये जो नाप है वो तो बढ़ गया, हमने नाप रखा था 17.5 यानी आधा नाप हमारा जो 17.25 होना चाहिए उसकी जगह ये नाप बढ़ गया है। देखिए ये जो नाप बढ़ गया है, अब हमें तो नाप चाहिए 34.5 का आधा 17.25 यानी 17.25, तो वो नाप आपको यहाँ पे सेट करना है। अब वो नाप यहाँ पर कैसे आ रहा है तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ का गैप एक जैसा होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पर ये जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ पर होना चाहिए। हमें जो 17.25 मार्क चाहिए तो यहाँ पर ये मार्क हमने कर दिया। तो अब जब ये इसका मतलब है कि पहनने के बाद ये नाप बनेगा, वापस हमें जो नाप चाहिए 34.5 इंच वो हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले 34.5 के हिसाब से कटिंग किया जो सबसे पहला वाला मार्क, पहनने के बाद तो वो 18.25 हो जाएगा यानी 36.5 हो जाएगा, 2 इंच लूजिंग हो जा रहा है। उसके कारण यहाँ पर ये नाप जो होता है वो ढीला पड़ता है, उसके कारण गला भी खुलता है और वो भी ढीला पड़ता है, और उससे यहाँ पर जो शोल्डर है वो भी गिरने की संभावना है रहती है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए यहाँ पर ये तरीका आपको करना है। अब यहाँ से ये नाप हमारा फाइनल हुआ। अब ये फाइनल हुआ तो जैसे हमने यहाँ पर गले का जो पहला वाला जो नाप रखा था वही नाप तक हमें यहाँ पर इसको मिलाना है। यहाँ पर आपको सीधा ही निशान कर देना है, सीधा निशान हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें जो 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए वो वापिस हमें यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐसे लगेगा कि यहाँ का नाप तो हमने कर दिया, इसके बाद तो यहाँ पर जो आर्मर राउंड इसका जो है वो तो कम हो जाएगा, जो हमें 7.5 और 1 पॉइंट चाहिए था वो तो यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर आए हैं, ये नाप हमारा कम हो गया। अब जैसे यहाँ पे कम होता है हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहाँ का शोल्डर भी हमें उतना ही अंदर लेना होता है, इसलिए यहाँ पर हमें पहले गला कटिंग नहीं करना होता है, क्योंकि शोल्डर अंदर लेंगे तो यहाँ पर गले की बोड़ने से वो भी हमें अंदर लेना रहेगा। कैसे तो समझते हैं, तो यहाँ पर जितना नाप हम अंदर गए 1/2 इंच, तो यहाँ पर से आपको 1/2 इंच वापस अंदर जाना है। अब वापस यहाँ पर इसका मार्क कर देना है। अब ये मार्क हो गया। फिर जैसे हमारा सबसे पहला वाला जो बैक पार्ट का जो नाप था यहाँ पर जो 7.5 और 1 पॉइंट ये जो नाप हमारा पहला वाला था वही नाप हमें यहाँ से मिलाना है वापस, उसके लिए यहाँ पर आपको गोलाई कर देना है, वापिस हमें ये चीज़ को नापना है। तो जैसे नापना शुरू करते हैं कि शोल्डर का सिलाई से हमारा जो नाप था फॉर्मूला के हिसाब से जो 34.5 के ऊपर 7.5 और 1 पॉइंट जो नाप था वही नाप हमें वापस यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए वही नाप यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम जितना यहाँ पर अंदर गए उतना यहाँ पर अंदर जाएंगे तो वह नाप तुरंत मिल ही जाएगा। अब इसके बाद गले की जो ब्रॉडनेस है वहाँ से भी हमें 1/2 इंच अंदर की ओर जाना रहेगा, क्योंकि ये अंदर जाएगा तभी तो वापस शोल्डर जितना है उतना हमें वापस रेडी मिलेगा। अब जो ये गले की ब्रॉडनेस है यहाँ पर आ गया, अब यहीं से हमें वापस इसका नाप मिलाना है। अब यहाँ से जो नया नाप हुआ है वही आपको ये जो 1/2 इंच वाला ये क्रॉस है यहीं पर आपको मार्क कर देना है। तो अब ये जो नया वाला जो नाप बना है येलो कलर का चौक से हमने जो मार्किंग किया है वही नाप से आपको मिलाना है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर देखिए तो सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, जिससे ये शोल्डर हम अंदर गए तो उतना यहाँ पर भी इतना अंदर गए, और जितना यहाँ पर हमने ये जो क्रॉस किया तो उतना भी यहाँ तक क्रॉस किया, जितना हमने गले से समझाया वो गले की लाइन से ही देखिए नेक डेप्थ मार्क वही नाप से यहाँ पर हमने आपको समझाया कि वैसे ही सेम प्रोसेस है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल नाप जो है ये ऊपर वाला है, अब इसके बाद यहाँ से हमें वापस ये क्रॉस कटिंग करना है, फाइनल नेक कटिंग मार्क वो हमें वापस 1/2 इंच, हम एक बार जा चुके हैं लेकिन हमें वापस एक बार और 1/2 इंच तक हमें इसको डाउन करना है यहाँ से। अब जब यहाँ से हमें यह डाउन करना है तो यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर देखिए तो इसका जो शेप है गोलाई वाला है, यानी इतना जो 1 इंच कम से कम 1 इंच का पार्ट जो है वो सीधा होना ज़रूरी है,
नहीं तो यहाँ से कोना निकलेगा। अगर आप डाउन गए, अगर आपने डायरेक्ट इसको ऐसे स्केल रख के ऐसा कटिंग किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कोना बनेगा। देखिए तो यहाँ पर ये दोनों मार्क मिलाते हैं तो यहाँ पर ये कोना हो जाता है, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर से कम एक इंच तक का यहाँ पर आपको सीधा रखना है। और उसके बाद जो हम वापस आधा इंच कटिंग करने वाले हैं, वो मार्क यहाँ पर करके यहाँ पर आपको गोलाई में शेप देना है। जैसे ये जो शेप है वो आपको गोलाई में देना है। देखिए इस प्रकार से ये गोलाई वाला शेप है, वो हमें कटिंग करना है। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम ये कटिंग हो गया, और जो गले का ब्रॉडनेस है वो भी यहाँ पर हम अंदर की ओर आ गए से। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ एक और भी देखा जाता है कि यहाँ पर ये जो हमारा कटिंग करने वाला मार्क है, दोनों मार्क है वो कटिंग करने वाला मार्क है, तो उससे पहले यहाँ पर एक नाप चेक करना होता है कि रेडी मिनिमम 2.25। यहाँ का जो गैप है ये जो शोल्डर का, वो हमें कम से कम 2.25 इंच का रेडी चाहिए, ताकि वो शोल्डर यहाँ से जोर ना मारे, गला उसका यहाँ पर खुले नहीं ज़्यादा। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो हम पहले कटिंग कर देंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो इसको कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डबल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो जो हमने प्रोसेस किया है, जो हम कटिंग कर रहे हैं, वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर बाहर का मार्किंग कट कर देंगे। अब ये हमारा फाइनल मार्क हो गया, फाइनल स्टिच अब हमारी ये रहेगी। अब ये वाला जो है वो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमें शोल्डर भी कटिंग कर देना है। इसलिए यहाँ पर हमें जो शोल्डर का नाप जो रेडी चाहिए, जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो जो हमें रेडी चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर ये मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, तो वही नाप यहाँ पर आ गया है। इसलिए यहाँ पर हम अंदर गए कि आप जब भी ये कटिंग करना चाहे तब यहाँ पर आगे वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर मिलाना ना भूले, ताकि आपसे गलती ना हो कि अंदर वाला ना कटिंग हो जाए, ना तो शोल्डर छोटा बड़ा हो जाएगा, तो आपको आगे का जो गला है वो भी आपको कटिंग करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा, वो चीज़ समस्या ना हो। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप गले का कटिंग कर ले। ध्यान दें, यहाँ पर हम जो कटिंग समझा रहे हैं वो हम अपने कस्टमर भी यही चीज़ का कटिंग करते हैं, लेकिन आज तक हमें तो शोल्डर गिरने की कोई भी समस्या नहीं आई है, आपको भी समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद जो हम समझाना चाहते थे कि यहाँ पर मिनिमम 2.25 इंच ये हमें रेडी चाहिए, ये नाप कहाँ तक, ये जो सीधा नाप है, तो यहाँ पर ये जो बनेगा स्टिच लाइन, जो 0.5 इंच की दूरी पे ये जो बना है स्टिच लाइन, वापस हमारा जो आर्मोल है, बॉडी आर्मोल है, और ये फॉर्मूला आर्मोल है, वापस हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये शोल्डर का दबाव जब हम ज्वाइंट करेंगे तब यहाँ पर ये गोलाई में होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में भी ये गोलाई होता है, ये वाला हिस्सा आप देखिए, तो यहाँ पर ये गोलाई होता है, तो वो आसानी से बैठ जाएगा। और उसके बाद गले में यहाँ पर 0.25 इंच का हमारा जो दबाव जाता है, यहाँ पर आपको समझना है कि ये वाला जो नाप है स्लीव का दबाव जाएगा, और यहाँ पर गले का दबाव जाएगा, तो कितना रेडी बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो दबाव है 2.5 इंच रेडी हो रहा है, तो ये सही है। इसे यहाँ पर हमने जो लिखा है 2.25 इंच मिनिमम, यानी कम से कम 2.25 तो आपको रखना ही पड़ेगा। फिर आपने जैसे यहाँ से गले इस तरह से आप ब्रॉड गए कटिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कि इतना आप गला कटिंग करना चाहते हैं, तो गला कटिंग करने से पहले आपने जो ये मार्किंग किया है, तब आपको ये चीज़ समझना है कि ये गला कटिंग करना चाहते हैं, तो समझिए कि यहाँ से ये 0.25 का दबाव जाएगा, तो ये नाप कितना रेडी बन रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये 1.5 इंच और 1 पॉइंट इतना ही नाप बन रहा है, तो ये हमारा जो इसमें रूल्स है कि 2.25 इंच कम से कम रहना चाहिए, बहुत कम हिस्सा रहने के कारण वो सपोर्ट नहीं करता है बॉडी में, इसलिए वो जोल मारता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो रेगुलरली जो मेजर होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कम से कम 2.25 इंच तो रहना ही चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा जितना उतना बेटर रहेगा, उतना फिटिंग अच्छा रहेगा, गले में कभी जोल नहीं आएगा, और शोल्डर गिरने की संभावना भी बिल्कुल कम हो जाएगी। और जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस कटिंग किया है, अब इतना कटिंग तो हमने कर दिया, लेकिन कैसे पता करें कि ये शोल्डर
ये गिरेगा या नहीं गिरेगा उसके लिए हम आगे एक और प्रोसेस समझते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया अंदर वाला वही सेम टू सेम मार्किंग आपको ट्रेसिंग व्हील से उठा के वापस अंदर की ओर भी कर देना है। और दूसरा चीज़ ये भी कि जब आप यहाँ पर कटिंग करें तो ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसे कुछ खाँच गिरा हो, ये चीज़ टक से लेना देना नहीं है, गले का जो नाप है वहीं से लेना देना है, उस हिसाब से कटिंग होना चाहिए। अभी आपको ये क्रॉस दिख रहा है लेकिन जब ये गला खुलेगा जब कस्टमर पहनेंगे तो ये यहाँ पर अपने आप ये पार्ट सीधा हो जाता है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक सीधा मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमें देखना है हमारा जो आगे का शोल्डर है, फ्रंट शोल्डर 14.5 इंच है, तो यहाँ पर आपको उसका मेजर रख देना है 14.5 इंच का। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आपको खोलना है, ये जो हमारा मार्क है। अब जब हम स्लीव इसमें ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 इंच का दबाव जाएगा, तो ये हमारा रेडी नाप बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमारा दोनों रेडी नाप बनेगा। अब यहाँ पर ये जो मार्क है ये पक्का मार्क हो गया। अब यहाँ पर जो 14.5 का जो नाप है वहाँ पर आपको मिलाना है। अब देखिए दोनों को इसको यहाँ पे मिला दिया, ये जो पार्ट है ये बॉडी पे यहाँ पर जो सीधा मार्किंग है उससे ये टच हो गया। अब जैसे टच हो गया तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 0.25 इंच तक का ये डाउन जा रहा है बाहर की ओर में, जो हमने क्रॉस किया था, लेकिन जब फैलेगा जब पहने के कस्टमर तो ये वापस यहाँ पर डाउन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो गोले वाला शेप है सीधा मार्किंग से मिल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आप ये मार्किंग करोगे तो अपने आप ऐसे मिल जाएगा, और ये मिलना ज़रूरी है, ये चीज़ आना ज़रूरी है एकदम से, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि जैसे यहाँ पर ये चीज़ मिला है उसके बाद जब ये वाला जो हमने कटिंग किया वो 0.25 इंच तक का जो ये अंदर आता है तभी हमें पता चलना चाहिए कि ये जो अंदर आया तो ये शोल्डर गिरने की संभावना है बिल्कुल कम हो जाएगी, 95% तक ये शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर हमने यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा कटिंग किया अगर वो कटिंग नहीं किया रहता तो क्या चीज़ होता, तो ये जो चीज़ होता ये जो शोल्डर है वो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये मिलता है। तो ये जो ऊपर का गया तो ये सीधी लाइन से ये ऊपर गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ये शोल्डर गिराएगा, ये पार्ट जो है वो शोल्डर गिरा देता है, इसलिए यहाँ पर ये चेक किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना कि वापस एक बार तो हम 1/2 इंच काट चुके थे सबसे पहले शुरुआत में बैक पार्ट कटिंग किया था तब, अब वापस हमने दोबारा जब कटिंग किया तब वापस हमने इसको कटिंग यहाँ पर 1/2 इंच कर दिया, इसलिए अगर ये चीज़ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। इस प्रकार से कभी भी आप अपना कटिंग कर रहे अगर आज आप अपनी मेथड से कटिंग करते हैं तब आप जब बैक पार्ट कटिंग करते हैं तब आप एक जैसा ही हमने प्रोसेस समझा उस हिसाब से आप अपने नाप में भी ऐसे सीधा मार्क करके प्रोसेस कीजिए। अगर आपके नाप में भी इसी प्रकार से सीधा मार्किंग से इसी प्रकार से अगर ऊपर आ रहा है तो ही ये शोल्डर गिराएगा, अगर इससे और ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो इसको समझना है कि ये तो शोल्डर गिराएगा ही गिराएगा, आप दोरी भी बांधोगे तो भी यहाँ से तो ये लूज ही होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान समझना है। और यहाँ अगर यहाँ तक अगर सीधा में मिल गया है ये चीज़ तो भी शोल्डर गिरेगा नहीं, लेकिन वो कई बार ये जो डिप बनता है उसके कारण यहाँ पर कई बार ये उठता है गला जोल मारता है, इसलिए यहाँ पर सीधा मार्किंग से ये अंदर आना ज़रूरी है जैसा हम अभी मार्क कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये सीधा मार्किंग से ये नाप हमेशा अंदर आना चाहिए, 0.25 इंच कम से कम ये अंदर होना चाहिए तो ही ये शोल्डर नहीं गिराएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सबसे पहले हमने ये जो नेक कटिंग किया था बीच वाला हिस्सा अब हम यहाँ पर वापस इसको रख देते हैं जैसे यहाँ से हमने कटिंग किया था। तो देखिए कटिंग तो हमने ये गोलाई कटिंग किया था लेकिन जब ये पहनेंगे तब ये ऐसे शोल्डर यहाँ पर बाहर जाएगा, तो इस प्रकार से ये गला इतना खुलता है। अगर आपको इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं चाहिए तो यहाँ पर जैसे हमने समझाया कि यहाँ से जो हम डेढ़ इंच गए उसकी जगह आपको 1 इंच जाना है, अगर 1 इंच जाएंगे तो ये जो नाप है वो यहाँ से इस प्रकार से बनेगा गला। तो इस प्रकार से भी आप कोई भी गले का शेप कटिंग करते हैं तो हमेशा उसको काटने के बाद इसको चेक कीजिए कि इस तरह का मार्किंग करके कि आप जो गला कटिंग करें वो बनने के बाद
वो कैसा आएगा, कस्टमर जब पहनेंगे तब कैसा लुक आएगा, तो इससे आपको पता चलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो गला है ज़्यादा ब्रॉड बन रहा है, तो आप उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमें जो नाप चाहिए, हमें और भी ज़्यादा डीप चाहिए और भी ब्रॉड चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको मार्किंग करके आपको और भी अगर आपको ब्रॉड करना है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप समझ सकते हैं कि हमें और इतना ब्रॉड करना है। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी कटिंग होगा तब यहाँ पर ये नाप हमेशा चेक करें कि आप कटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद ये 1.25 इंच 2.25 रेडी आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये हमने अभी मार्क किया, वो कटिंग करेगा, यहाँ पे सिलाई जाएगा, यहाँ पे सिलाई जाएगा, तो ये 2 इंच आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। कम से कम 1.25 इंच बने उसका आप कोशिश कीजिए और वैसा ही रखने की कोशिश करें, तो ही अच्छे से फिटिंग आएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे अब ये कटिंग तो कर दिया, उसके बाद यहाँ पर इसमें स्टिचिंग भी ऐसा करना होता है। जब हम उरे पट्टी लगाते हैं, यहाँ पर क्रॉस पट्टी या फिर पाइपिंग लगाए गए, तब हमें ये जो गला है उसको खींच के लगाना पड़ता है। वो जो पाइपिंग है, पाइपिंग लगाने के बाद उसका धागा दोनों तरफ से हमें खींचना होता है, और जो उरे पट्टी लगाए गए वो भी हमें यहाँ पर खींच कर लगानी होती है, तभी ये शोल्डर नहीं गिरेगा, नहीं तो ये जो गला है वो ढीला बनता है। तो इसका प्रोसेस हम स्टिचिंग में समझेंगे, क्योंकि कटिंग के साथ साथ में इसमें हम जो स्टिचिंग का भी जो लेसन समझाएंगे वो भी आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपका जो ब्लाउज है वो डीप नेक वाला जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट लेसन में सबसे पहले हम यहाँ पर डबल कटोरी कैसे कटिंग करना है सिंगल कटोरी में से, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में इसका जो स्टिचिंग है वो हम समझेंगे।